राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी ये व्लॉग कल का है, मतलब जिस दिन होली थी। तो फिर आप लोग की होली कैसी रही ज़रूर बताइएगा, और मेरी होली कुछ इस तरह रही आपको व्लॉग में दिख जाएगा। तो सुबह की शुरुआत होती है पूजा पाठ वगैरह से, क्योंकि होली की शुरुआत तो मंदिर से ही होगी ना। सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल जी को कलर चढ़ेगा, राधा रानी जी को और सभी देवी देवताओं को। तो मैं कलर की जो भी कलर वाला लाए थे हम अबीर गुलाल, उनको मैं एक छोटे से प्लेट में रख रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी पर कलर लगाऊंगी, उसके बाद हम बाहर जाएंगे खेलने के लिए। तो जी यहीं से शुरुआत होती है होली की, तो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं अभी कलर। तो जी रंगों का त्यौहार है, साल में एक ही बार आता है, तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम इसे। भले घर से दूर हैं, जहाँ भी रहते हैं वहीं पूरा एंजॉय लेते हैं। ये समय है कि दोबारा लौट कर आता नहीं है, इसलिए जो भी पल अच्छे मिलते हैं हमको, हम उसको बहुत आनंद के साथ व्यतीत करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि समय है हवा की तरह उड़ता रहता है, आज है कल नहीं। इसलिए हर क्षण का, हर मोमेंट का एंजॉय ज़रूर लेना चाहिए। तो जी यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को मैंने कलर चला दिया है, और अब हम थोड़ा सा बाहर जाने की तैयारी करेंगे थोड़ी देर में। और थोड़ा सा कलर मैंने मंदिर में रख दिया है, जो भी अबीर और गुलाल लाए हुए थे। हमारे लड्डू गोपाल जी तो रंग चुके हैं पूरे रंग में, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे प्रभु जी। और अब आ गई है वैष्णवी की बारी, और मैंने इसकी ऑयलिंग कर दी थी, हेयर में ऑयल लगा दिया हुआ है, हाथ पैरों में भी, मैंने अपना भी पूरी ऑयलिंग कर दी है। मैंने तो रात में ही लगा दिया था ऑयल, कोकोनट ऑयल लगाया हुआ है, इससे क्या है कि कलर जल्दी छूट जाएगा और ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम अबीर गुलाल लगा रहे हैं, और इसके बाद हम बाहर जाएंगे तो ना लोग एकदम दूसरे वाले कलर लगा देते हैं, जो निकलते ही नहीं है, वो डब्बे में आते हैं ना जो वाले लाल हरे काले कलर के, तो वो बहुत ज़िद्दी कलर होते हैं, एकदम नहीं निकल पाते हैं। इसलिए उस फेस की ऑयलिंग करनी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो अब ये यहाँ पर मुझे अबीर गुलाल लगा रही है, बोल रही कि मैं आपका पूरा लगा देती हूँ, पूरा मुंह में डाल देती हूँ। तो कार्टून बनाने की कोशिश कर रही थी ये मुझे, तो यही बार एंजॉयमेंट चल रहा है बच्चों के साथ, अच्छा लगता है ना, थोड़ा बच्चों के साथ खेल लिया तो घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है, और बच्चों को भी अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों से, वो भी सीखते हैं कि फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करना है। बस यहाँ पर अपने ही इन्जॉयमेंट चल रही है अभी। इसके बाद इसके पापा भी आ गए थे, और वो बोल रहे थे कि मैं वीडियो में नहीं आऊँगा, तो मैंने उनका रिकॉर्ड नहीं लिया, बोले थे मेरा वैसे ही करना, वीडियो मत बनाना, तो मैंने छोड़ दिया फिर। और यहाँ पर हम बालकनी में आ गए थे, और ये मास्क लाई हुई है रैबिट वाला, उसको पहन रही है। अच्छे अच्छे मास्क आते हैं ना आजकल मार्केट में, बड़ा मज़ेदार, थोड़े से फनी टाइप लगते हैं ना, अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पर यही एन्जॉयमेंट वगैरह चल रहा है, और यहाँ पर चल रही है वैष्णवी की मस्ती, बोली थी कि मैं मेरा रैबिट वाला मास्क लगाया हुआ है, जो इसका वीडियो बना दो, तो मैं बना रही थी, और ये मुझ पर खूब ढेर सारा कलर भी लगा रही थी। अभी अंदर ही है हम, इसके बाद थोड़ा बाहर जाएंगे, तो यहाँ पर वैष्णवी तैयार हो गई है बाहर जाने के लिए, और फिर बोली थी कि मैं एक बार आप मैं पानी फेंक कर ही जाऊंगी, तो अंदर थोड़ा ख़राब हो जाता ना, मैंने कहा कि थोड़ी देर बाद मैं नीचे ही ग्राउंड में आ जाऊंगी, उसके बाद जम के होली खेलेंगे। तो यहाँ पर मैंने आज बनाई हुई है यहाँ पर पहाड़ी चटनी, तो यहाँ पर मैं वीडियो लेना भूल गई थी, फिर मैं किसी दिन और शेयर कर दूँगी, मैं जल्दबाजी में ना, होली के दिन जल्दबाजी ज़्यादा रहती है। तो मैंने लड्डू गोपाल जी का जो भी भोग था वो यहाँ पर रख दिया है। पर भोग भी लग चुका है, अब मैं प्लेट तैयार करूँगी, जब हम ग्राउंड में जाएंगे ना, वहाँ होली खेलेंगे, और थोड़ा सा अपना जो जो आइटम हमने बना रखे हैं
पकवान वगैरह जो भी हैं उसको हम शेयर करेंगे। को कुछ लोग अपना लाते हैं, कुछ लोग अपना लाते हैं, तो मतलब अपनी अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। तो इसका ही डेकोरेशन चल रही है मेरी यहाँ पर। तो जी इतना काम होने के बाद अब मैं सोच रही हूँ रात के लिए कि शाम को मतलब इवनिंग टाइम में मैं कुछ मीठे का भोग लगाऊंगी आज लड्डू गोपाल जी को। तो मैं बना रही हूँ सूजी दही के पुए। इसमें मैंने सूजी ले ली है और इसमें थोड़ा सा हम दही मिक्स करते हैं और एक पका हुआ केला, केला जितना पका होता है ना उसके लिए इतना और भी अच्छा होता है। तो इस मिश्रण को हम पूरा मिक्स कर लेंगे और इसमें चीनी या चीनी पाउडर डाल सकते हैं और जितना मीठा आपको पसंद है उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे और इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। और मैश करने के बाद इसको हम मतलब कि मुझे इसको शाम को बनाना है ना, इसलिए मैंने सुबह ही भिगाने डाल दिया ताकि इसमें खमीर जम जाए। इसीलिए ये अगर सुबह बनाना होता है तो मैं रात में रख देती हूँ, आज शाम को बनाना है तो सुबह ही रख दिया तो शाम तक ये अच्छा सा खमीर बन जाएगा। और इसमें किशमिश के छोटे छोटे दाने डाल दूँगी मैं, किशमिश थोड़ा सा कूट कर या किशमिश पाउडर है तो वो भी। और नीचे का वीडियो ले रही थी मैं तो यहाँ बच्चे खूब एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये देखिए कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है, बड़ा सा ग्राउंड है तो मज़े आ रहे हैं और मेरे दरवाजे के बाहर इकट्ठे हो गए हैं मुझे बुलाने के लिए। तो जी हमने इसके बाद ढेर सारी होली खेली तो लगभग एक बज चुका था, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर खाना पीना चल रहा है तो मैं उसी का रिकॉर्डिंग ले रही हूँ। सब बच्चे खेल के बहुत थक गए थे, बुरी तरह से भीग चुके हैं। ये देखिए मेरी शक्ल कैसी हो रखी है, आप लोग को भी हंसी आ जाएगी। तो ऐसे ही हो रहा है, पानी पानी हो रखा है। तो पानी की होली खेली, सब कुछ की होली खेली, मिट्टी पानी कलर सब था। तो यहाँ पर खाना आना खा लिया है, अब सोच रहे थे थोड़ी देर डांस वगैरह करते हैं। बच्चे भी खूब भीगे हुए हैं और ये आजकल ये कलर उड़ाने वाला कुछ आ रहा है ना आजकल, यही जला रहे थे हम तो। ये ज़्यादा खास तो नहीं जला, थोड़ा सा ही चल पाया ये, तो फेंक दिया इसके बाद मैंने इसको उसी की जगह पर। तो जी यहाँ पर अब थोड़ा सा एंजॉयमेंट चल रहा है, खाना खा लिया है। अब खाना खा लेते थोड़ा पचाना भी पड़ता है, तो सोच रहे थे थोड़ा सा गाना वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह किया। बच्चे इस ड्रम में पानी भरा हुआ है और छत की टंकी से पानी गिरा रहे थे ऊपर से, और पाइप भी लगाए हुआ था तो खूब पानी से खूब भीगे हैं बच्चे भी। और गर्मी भी ठीक है ना, मतलब ठंडी नहीं है इस टाइम पर, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे ज़्यादा भीग भी जाएं तो। ये देखिए बच्चे आजकल जो गाना चल रहा है ना उसकी एक्टिंग कर रहे हैं, ये ज़्यादा ही वायरल है ना, तभी हर कोई जानता है किस कौन से गाने पर कर रहे हैं ये सब। तो जी आपको तो पता चल ही गया होगा। और यहाँ पर बस यहाँ पर थोड़ा सा बातें शातें चल रही हैं और अब इसके बाद होगा हम लोगों का डांस वगैरह। गाने वाने लगा रहे थे तो फिर थोड़ा गाना चूज़ करने में टाइमिंग लग ही जाता है ना, इसलिए अभी बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं तो कुछ हमारे पड़ोसी लोग निकल चुके हैं घरों को, कुछ लोग यहीं पर हैं तो भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं होते तो सब यहीं होते, तो कुछ लोग अपने गांव घरों को चले गए हैं। फिर भी खूब सारा एंजॉयमेंट किया हमने, इतने ही लोग भी हैं तो, क्योंकि एंजॉय करने के लिए वह दो चार लोग होना होता है तो दो चार लोगों से भी हो ही जाता है। ये देखिए ये हमारा पड़ोस का बच्चा कितना एंजॉय कर रहा है। पर यही डांस वगैरह हो रहा है, यहाँ भगवान कृष्ण के हमने भजन लगाए हुए थे, वो उसमें आजकल खूब डांस रील वील चल रहे हैं ना, वही वाला सॉन्ग लगाया हुआ था। तो फिर यही होता है ना बाद में, तो कोई कहीं चला जाता है तो बस वीडियो या फोटोज़ वगैरह ही रह जाती है लास्ट में देखने के लिए, क्योंकि सब हर कोई लाइफ में बिजी रहता है, कोई किसी शहर को चला जाता है, कोई कहीं, तो फिर बाद में जब हम एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो यही वीडियो रह जाती है देखने के लिए, फिर बहुत अच्छा लगता है लास्ट में देखते हैं तो। तो जी इसके बाद सब अपने अपने घरों को चले गए थे, खाना पीना हो गया था। अब ये सीधे है शाम का वीडियो है जो मैंने सूजी दही भिगा कर डाला हुआ था ना, तो उसी के ही मैं सूजी के पुए बना रही हूँ। हमारे यहाँ पुए ही बोलते हैं इनको, ये बाहर के लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, तो मीठे होते हैं तो पुए बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मैं शाम को यही बनाऊँगी और इस लड्डू गोपाल जी को इसी का ही भोग लगाऊँगी। बस शाम को इतना सा ही होता है हमारे यहाँ, सूखा टीका लगाते हैं होली का,
और बस इतना ही होता है। और कहीं कहीं तो बाहर साइड तो सब लोग एक दूसरे के वहाँ भी जाते हैं। वैसे हमारे पहाड़ों की होली थोड़ी अलग होती है, वहाँ तो 10 दिन पहले से ही नाचना गाना स्टार्ट हो जाता है, बहुत अच्छी होती है। जब मैं कभी पहाड़ जाऊँगी तो कभी मुझे मौका मिलेगा तो पहाड़ों में होली मनाने का, सेलिब्रेट करने का, तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग भी पहाड़ की होली देख लोगे, हमारे यहाँ कैसी होली होती है, बहुत ज़बरदस्त होली होती है वहाँ। 10 दिन से गाने में ही, मतलब लोगों का 10 दिन से गाते गाते ना आवाज़ भी बैठने लग जाती है, मतलब वही गाना गाना, फिर गुजिया वगैरह जो भी पकवान होते हैं खाते खाते, मतलब आवाज़ गला ना पूरा बैठ जाता है। बहुत मज़ेदार होलियाँ होती हैं पहाड़ों की। तो अभी तो मुझे इस बार भी मतलब टाइम तो क्या, मौका नहीं मिल पाया, जब मौका मिलेगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी मेरे पुए बन गए हैं, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं, बहुत टेस्टी भी होते हैं। तो जी लग गया है लड्डू गोपाल जी का, उनका भोग। तो जी फ्रेंड ये था मेरा आज होली का व्लॉग, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, और मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ है, और आज थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी वाली होली खेली थी, तो फिर थकान तो लगी जाती है। और अभी मैंने शाम का जो बनाना था मुझे मीठे में थोड़ा सा भोग लगा लिया है। तो जी आज का रूटीन बस इतना ही सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लगी है, रेस्ट भी करना है मुझे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक सभी को राधे राधे।